सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए भाई। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशय के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों, पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि डिप्टी सीएम सीएम को हटाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कर्नाटक की जनता गलती पर पश्चाताप कर रही है, कर्नाटक में हमारा समर्थन कम नहीं हुआ है, काफी कुछ बोला है प्रधानमंत्री ने, सुन लेते हैं। रिगार्डिंग द गारंटी स्कीम्स इन कर्नाटका, कांग्रेस प्रॉमिस्ड 5 गारंटीज एंड दे आफ्टर कमिंग टू पावर दे डिलीवर्ड दैट वन, दे एज पर देयर प्रॉमिस दे आर डिलीवरिंग दैट वन नाउ, व्हेयरएज in BJP is more, in the last election you lost the only 66 seats, you able to win there, BJP able to win there. Now again Yediyurappa ji ka leadership aur uska beta ka leadership mein zyada focus ho raha hai, iska wajah se thoda sa BJP ka andar bhi kuch log naraaz bhi hai udhar. Wo actually aapka man mein Karnataka mein abhi BJP कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है नंबर वन? कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया, तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है।
जन समर्थन हमारा बड़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है, शपथ हुआ है सीएम का लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि, कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसे परिचित है, टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफिया शाही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे। अच्छा, डेप्टी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं, वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी, उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या अब की बार 400 पार? क्या है मोदी की गारंटी का रोड मैप? सारे सवालों का खुद देंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेबाक बातचीत, पीएम मोदी इंटरव्यू, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर कल रात 9 बजे। इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। शाह ने कहा, जब तक देश में बीजेपी की सरकार है तब तक एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को कुछ भी नहीं होने देगी इसी सरकार, ये मोदी की गारंटी। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण
के मसले पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी साफ किया है कि वो एक वीडियो आरक्षण को लेकर सर्कुलेट जो किया जा रहा है उससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा संघ आरक्षण का समर्थन करता है और शुरुआत से ही समर्थन करता रहा है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बाकी अच्छे कर रहे, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। कर्नाटक में बेलगावी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था बदतर होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस और नेहा हत्याकांड की भी चर्चा की और कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर ये घर चले जाओ। पीएम मोदी ने बेलगावी में कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीएफआई जैसे संगठन